जो 12वीं सदी से 13वीं सदी से रह रहा है या जो मर के वहीं दफन है, वो कैसे इनक्रोच करेगा 21वीं सदी में? कानून को पूरी तरह से बालाताक रख के काम किया गया है, कानून को बिल्कुल कानून का मजाक उड़ाया गया है। और ये जो बुलडोजर राज है, जो इस तरह से जो सरकार खुद के हाथ में कानून को लेके जा जाके कुछ खास वर्ग को, मजदूर वर्ग को, कुछ खास समुदायों को अटैक कर रहा है, तो ये एक राष्ट्र का चरित्र को दर्शाता है जहाँ पे कि कुछ लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया जा रहा है। पैसा कहते हैं आज के गम के नाम, आज का हम जो है जिंदगी के भरे गुलशिता से खफा, जर्द पत्तों का बन जो मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है, मेरे देश एक दर्द की अंजुमन बनता जा रहा है। और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये टारगेटेड तो बहुत है मुसलमान, मगर ये सब सबके लिए एक दर्द की अंजुमन बनता जा रहा है। जो हमने आज का कार्यक्रम करा, ये प्रेस मीट करी, इसका नाम हमने शहर रखा। और ये एक मायने था कि हम जो शहर में अभी चल रहा है डेमोलिशंस, बैरिकेडिंग, अलग अलग तरह के डेमोलिशंस हुए हैं, चाहे मेहरोली से आप शुरू करिए, उनके कब्रिस्तान, उनकी मस्जिद, दरगाहें, दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली की दरगाहें डिमोलिश हुई हैं और लोगों के घर डिमोलिश हुए हैं अलग अलग टाइम पे पिछले 2 सालों में, उससे पहले भी। और एक हम एक जुड़ के इस शहर के सिटीजन्स जो हैं कि हम क्या हर डिमोलिशन पे चुप बैठे रहेंगे कि नहीं हमारे साथ नहीं है, ये तो किसी और के साथ हो रहा है। लेकिन शहर को बनाने का और आज की प्रेस मीट का ये मायना था कि हम एक पब्लिक फोरम बनाना चाहते हैं शहर के, एक तरह का जो शहर को उजाड़ा जा रहा है। देखिए, मेहरोली जो है वो दिल्ली की फर्स्ट सिटी है, पहला शहर है दिल्ली का, दिल्ली के लिए बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि 7 शहर थे और 8वां शहर नई दिल्ली है, तो ये 7वें शहर का सबसे पहला शहर है। और 800 एडी से लेके आज तक ये लिविंग सिटी है एक, और वहाँ पे लोग आते गए हैं, और एक जिसको कहते हैं ना कि एक पैलम्पेस्ट है वहाँ पे, तो हर चीज़ की अपनी एक अहमियत है। अब ये जो मस्जिद थी, इसके लिए जो वहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, अखुंड जी मॉस जो है, इसका जिक्र हमको हर उसमें मिलता है, चाहे वो 1847 की असारू सनादीद हो, चाहे 1919 की मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया बाय मौलवी जफर हसन, सब में इनका इसका जिक्र है। लेकिन इसकी जो वो इसका इतनी इम्पोर्टेंस थी कि 1853 में जब इसकी मरम्मत हुई है तो बादशाह बहादुर शाह जफर ने इसका क्रोनोग्राम कदवा लिखा। समझिए ये एक इसकी मस्जिद की क्या अहमियत होगी कि बहादुर शाह खुद लिख रहे हैं। तो देखिए, अगर ये लेजेंड भी है तब भी इसे दिखाई देती है कि कितनी पुरानी ये मस्जिद है, इसकी क्या अहमियत है। और फिर समझ में आता है कि बादशाह इसका कदवा क्यों लिख रहा है। और ये हमारी विरासत है, ये नहीं कि एक कौम की विरासत है या एक मोहल्ले की विरासत है, ये विरासत हमारी। और कतबे जो है वो एक फॉर्म ऑफ आर्ट हैं जो अब ख़त्म होते जा रहे हैं, हम लोग कतबे नहीं लिखते हैं। ये डिमोल्यूशन बहुत ही अचानक से हुआ, सुबह सुबह एक दिन आके सारे चीज़ें तोड़ दिए गए, जो मस्जिद है, फिर वहाँ जो मदरसा था सारे तोड़ दिए गए, पुराने जो वहाँ के कब्रें हैं वो भी तोड़ दिए गए। हम लोग जब पहुँचे तब डिमोल्यूशन हो चुका था और वहाँ पर सारे पुलिस के बैरिकेड्स लगे हुए थे, तो हम लोग को डिमोल्यूशन के आसपास तो जाने नहीं दिया गया। ये भी बोला गया कि जहाँ बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ से 0.5 किलोमीटर तक सेक्शन 144 लगा हुआ है। कानून है, कानून के दायरे में हो, अदालतें हैं, अदालतों से रुजू करें, गवर्नमेंट एजेंसियाँ अगर उनको कुछ चाहिए या उनकी कुछ जगह है वहाँ पर कोई कब्जा किए हुए हैं तो उसको अदालती तरीके से वो करें, वहाँ पर गुंडागर्दी या बदमाशी के अंदाज में उसको वो ना करें, या लोगों को हैरानी में ना डालें कि क्या हो रहा है, लोगों को समझ में ना आए। पहले मुझे बताइए कि मेरी क्या गलती है, फिर आप मुझे वहाँ से हटाइए, पहले मुझे वहाँ से दौड़ा दिया जाए, भगा दिया जाए और मुझे तन्हा छोड़ दिया जाए, ये समझने के लिए कि मैं सोचूं कि मेरी क्या गलती है। रीजनिंग जो दी जा रही है, जैसे सुनहरी मस्जिद को डिमोलिश करने की रीजनिंग है कि आगे चल के ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वो मस्जिद इतने सालों से है, हमारी आज़ादी का हिस्सा रही है, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग रुकते थे जो आज़ादी की लड़ाई में शुमार थे। और लटियन दिल्ली की बनाई हुई के जब लटियन ने नई दिल्ली का निर्माण किया उस टाइम पे भी उस मस्जिद को नहीं हटाया था, उसके आसपास उस एरिया का निर्माण किया गया। तो सिर्फ इस पॉइंट पे कि कल को ट्रैफिक की दिक्कत हो सकती है, इस पे आप मस्जिदें और दरगाहें ऐसे हटा नहीं सकते।
30 जनवरी के सुबह सिर्फ ये मस्जिद मदरसा ही नहीं, साथ में एक मंदिर भी तोड़ा गया था जो कि मेहरौली वार्ड नंबर 2 का एक दलित कॉलोनी है, वहाँ का मंदिर है, दलितों का मंदिर है, 20-25 लोग वहाँ जाते हैं। तो हमने जाके वहाँ का पुजारी से बात करा तो पुजारी शुभम शास्त्री वो बोले कि उनको भी बिना कोई नोटिस के सुबह सुबह आके वो ये मंदिर तोड़ दिया गया। और मंदिर तोड़ने के बाद जो इलाके के मुसलमान हैं उनको बुला के दिखाया गया कि देखो हम सिर्फ मस्जिद नहीं तोड़ते, मदरसा नहीं तोड़ते, मंदिर भी तोड़ते हैं अगर वो गैरकानूनी तरीके से बनाया गया है। तो एक गैरकानूनी तोड़फोड़ को जस्टिफाई करने के लिए अब दूसरी जगह फिर से तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये एकदम गलत बात है। और वो भी एक तरह से हिंदू मुसलमान राजनीति यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि फिर ये आचार्य शुभम शास्त्री बोले कि उनको बोला गया है कि वहाँ पर मंदिर फिर से बन सकता है, पर फिर से क्या मस्जिद बनेगा ये सवाल तो जो हम सबके सामने है ये सवाल। देयर इज़ ए ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो हमने मेहरौली में देखा, खुंडी के डिमोलिशन में देखा, डिमार्केशन का था, मैटर सब ज्यूडिस था। अगर इंक्रोचमेंट है तो जितना इंक्रोचमेंट है आप उसको हटाइए। अगर आप उसकी जगह पूरी पूरी हिस्टोरिकल मस्जिदों को, दरगाहों को हटा देते हैं तो आप समझिए कि कल को अगर ये इलीगल होगा भी तो इसमें कोई रिहैबिलिटेशन नहीं हो सकता, क्योंकि आप वो पत्थर वापस कहाँ से लाएंगे, आप वो सीमेंट गारा जो भी जिससे वो बना है वो इतिहास कहाँ से लेके आएंगे, तो वो एक नई चीज़ हो जाएगी। तो जब भी अगर स्टेट को कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग को हटाना ही है तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल कि इंक्रोचमेंट हटाने के नाम पे उस बिल्डिंग को ना ख़त्म कर दिया जाए। देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके डेवलपमेंट का सवाल ही बड़ा हो जाता है कि हमको शहर को अगर डेवलप कराना है तो किस तरह से डेवलप कराएंगे, और उससे भी बड़े सवाल है किसके लिए शहर बनेगा, डेवलपमेंट किसके लिए हो रहा है। तो दो तरह के मार्जिनलाइजेशन होता है, एक तो आप कोई खास समुदाय को मार्जिनलाइज करना चाहते हैं और साथ में खास वर्ग को जो कि मजदूर वर्ग है उसको भी आप मार्जिनलाइज करना चाहते हैं। और दोनों ही जगह देखिए डिमोलिशन गैरकानूनी तरीके से हो रहा है, यहाँ पे नोटिस नहीं दिया जा रहा है, जहाँ झुग्गियाँ तोड़े जा रहे हैं फिर उसके बाद पुनर्वास नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही ब्रूटल तरीके से हो रहा है। और जब डिमोलिशन हो रहा है सरकारी ऑफिसर जश्न मना रहे हैं कि देखो अच्छा हो रहा है, हम शहर को साफ कर रहे हैं। तो शहर को साफ करने की बात है, यहीं पर पूरा पैटर्न पता चलता है। आप साफ कर रहे हैं मतलब आप किसको गंदगी मान रहे हैं शहर में? जो कानून बना था स्ट्रीट वेंडर्स के हितों में के लिए, लेकिन वो आज की स्थिति में देखा जाए उल्टा वो ऐसा लगता है कि वो इनके लिए गले की फांस बन गया है। तो क्या ये देश पूंजीपतियों का है या अमीरों का है? दूसरा, आप जाएंगे सुबोर्तो पार्क जाएंगे या नेशनल हाईवे पर जाएंगे 24/7 के बूथ दिए गए हैं जो कि एक घोटाला है, और उन जहाँ जहाँ उनको दिया गया 24/7 को वहाँ से हॉकर्स को साफ कर दिया गया है, और 24/7 को वहाँ पे उनको ट्रेडिंग लाइसेंस दिया गया है। गरीबों को मान रहे कि शहर की गंदगी है, मुसलमानों के खास समुदाय को मान रहे कि शहर की गंदगी है, जो मंदिर भी तोड़ा गया मेहरौली में दलितों का मंदिर था। तो किसको शहर को शहर की गंदगी मान के साफ कर रहे हैं, वो सवाल से पता चलता है कि सरकार का नज़रिया क्या है। ये जो डेवलपमेंट मॉडल है, ये डेवलपमेंट मॉडल किसके लिए है? अमीरों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है, सवर्णों के लिए है, दलित मुसलमान मजदूर वर्ग ये सारे ये डेवलपमेंट मॉडल में डिस्पेंसेबल है, इसको मार्जिनलाइज करना चाहते हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये पैटर्न खास तरीके से हमको दिख रहा है। ये जो डेमोलिशन यहाँ हो रहे हैं ये उनका नेचर नहीं चेंज हो रहा है किसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप का, ये प्योर डेमोलिशन है। और जहाँ तक प्लेसेस ऑफ वर्शिप की, तो इस टाइम दो मुद्दे ज्ञानवापी और वो मथुरा वाली मस्जिदों को लेके उन पे इशू है, और सुप्रीम कोर्ट हैज़ केप्ट अ साइलेंस। इतने स्टेप्स बढ़ गए हैं, उसमें सर्वे अपॉइंट हो गया, सर्वे की रिपोर्ट आ गई और बहुत सारी चीज़ें हो गई, एक्सकेवेशन की बातें हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक साइलेंस बनाई हुई है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे, और वो साइलेंस असल में उस लॉ को डाइल्यूट करती है। एक लैंग्वेज जो आ रही है वो है लॉ ऑफ एंड इंक्रोचमेंट की लैंग्वेज, और मैं उसको पलटने की कोशिश कर रही हूँ कि एक लैंग्वेज ऑफ बिलोंगिंग है। शहर एक जगह है जो हर उस हमें अगर हमें भाषा बदल दी, अगर हम उस भाषा को बदल सकते हैं कि नहीं ये हमारा शहर भी है, चाहे मेहरौली में जो हुआ, चाहे बस्तियों में जो हो रहा है, और मैंने इसमें आर्किटेक्ट्स को बुलाया, हेरिटेज एंथुजियास्ट को बुलाया, अर्बन स्टडीज़ के लोगों को बुलाया, हिस्टोरियंस को बुलाया,
जर्नलिस्ट, लॉयर्स और जो लोग इफेक्टेड होते हैं, स्ट्रीट वेंडर ऑर्गेनाइजेशंस, बस्ती डेमोलिशन ऑर्गेनाइजेशन, सबको जोड़ के एक फोरम बने जिससे कि हम कम से कम बोल तो पाएँ. और अब बोलना भी मुश्किल हो गया है कि क्या क्या हो रहा है इस शहर में. अभी भी जो चल रहा है कि शहर एक तरह का एक फोर्ट्रेस की तरह बना हुआ है, और हम लोगों में ये है कि ट्रैफिक की कंप्लेंट कर रहे हैं हम.